Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों लिक्विडिटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट्स का। अब भाई ये वो तरीका है जिससे कि आप अपने एसेट्स को कैश में तब्दील कर सकते हैं सबसे सरल और सुचारू रूप से और बिना मार्केट में हो रहे जो प्राइसेस में उतार चढ़ाव हैं उनके लपेटे में आए हुए। अगर कोई एसेट लिक्विड है ना तो काफी लंबा समय लगता है उसको कैश में परिवर्तित करने में और कई बार तो भाई स्लिपेज भी हो सकती है। स्लिपेज अर्थात कि जो प्राइस पे आप किसी एसेट को बेचना चाहते हैं वर्सेस जिस प्राइस पर वो बिके उसके बीच जो फर्क है वह। अब भाई यही वह जगह है जहां लिक्विडिटी पूल्स काम आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या फिर डीफाई के जगत में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त आयतना झा और आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी पूल्स के बारे में और भी कई सारी अन्य चीजों के बारे में। सरल शब्दों में कहा जाए तो भैया लिक्विडिटी पूल्स एक तरह से वॉल्ट जैसे हैं जहां पर निवेशक अपने एसेट्स को जमा कर सकते हैं ताकि एक ट्रेडिंग पेयर बन सके और फिर इसके फलस्वरूप उन एसेट्स को लिक्विड किया जा सके उन लोगों के लिए जो कि ट्रेड करना चाहते हैं उस पेयर में। तकनीकी शब्दों में जो वॉल्ट है ना वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मौका देता है यूजर्स को कि वो अपने टोकन्स को सुरक्षित रूप से जमा कर सके। दोस्तों लिक्विडिटी पूल एक प्राइमरी मैकेनिज्म है एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या फिर एक डेक्स का। ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करता है ट्रेडिशनल ऑर्डर बुक्स के मुकाबले जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस द्वारा प्रयोग किए जाते थे। अब भाई कल्पना कीजिए कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ऑर्डर करने के लिए एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। अब भाई यहाँ पर लिक्विडिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करें? लिक्विडिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास बड़े सारे कैशियर्स हैं, जितने हमारे पास कस्टमर नहीं है उससे ज्यादा हमारे पास कैशियर्स हैं। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी और जिनको भी कुछ भी खाना लेना होगा उनके ऑर्डर्स बड़ी तेजी से निकलते जाएंगे। अब भाई इससे ऑर्डर्स और ट्रांजैक्शंस की जो गति है ना वह बढ़ जाएगी और कस्टमर्स खुश रहेंगे। अब ऐसे ही लिक्विडिटी भी होती है। अब यही दूसरी और इनलिक्विडिटी जो है वो ये है कि हमारे पास सपोज करिए सिर्फ एक कैशियर है और पूरी कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। इसके कारण फिर यार ऑर्डर स्लो हो जाएंगे, ट्रांजैक्शंस की गति भी एकदम धीमी हो जाएगी और जो कस्टमर दुखी होंगे वो तो होगा ही। अब भाई परंपरागत वित्तीय व्यवस्था जो है ना वहां पर लिक्विडिटी प्रदान की जाती है किसी भी एसेट के बायर्स और सेलर्स के द्वारा। इसी की अपेक्षा में जो डीफाई है वो निर्भर है भाई लिक्विडिटी पूल्स पर ताकि वो सुचारू रूप से काम करता रहे। दोस्तों लिक्विडिटी पूल्स को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस की बैकबोन कहने के पीछे कारण ये है कि हमको सुविधा देते हैं खरीद बेच करने की, बाय सेल की, बिना उन ट्रेडिशनल फर्म्स के जिनके कारण ट्रेडिशनल मार्केट्स को लिक्विडिटी मिल रही थी और जिनको मार्केट मेकर्स भी कहा जाता है। अब बजाय इसके कि मार्केट मेकर्स को फायदा हो सिक्योरिटीज की खरीद बेच से जो कि मार्केट को ही सेटिस्फाई करने के लिए किया गया था, लिक्विडिटी पूल्स इस काम को अच्छे से संभाल लेते हैं। एक लिक्विडिटी पूल में दो क्रिप्टोकरेंसीज या फिर टोकन्स होते हैं और यार ये जो पूल्स है ना वो अलग अलग मार्केट्स बनाती है ये एक जोड़ी टोकन्स के लिए। जो भी किसी एक नए पूल का निर्माता होता है ना वो उस एसेट के लिए एक शुरुआती कीमत को सेट करता है। पर यार अगर जो उस पूल की कीमत रखी गई है वो वैश्विक क्रिप्टो बाजार से मेल न खा रही हो तो जो लिक्विडिटी दाता है ना वह अपना कैपिटल लूज कर सकता है। टोकन्स को मार्केट प्राइस की समता में रखना जैसे और प्रोवाइडर्स फंड्स डालते जाए पूल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे जैसे लिक्विडिटी पूल्स की मदद से टोकन स्वैप होते हैं तो जो कीमत है उसको प्राइसिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है। अब भाई ये जो प्राइसिंग एल्गोरिथम है ना ये भाई ये सुनिश्चित करता है कि पूल में लिक्विडिटी बनी रहे भले ही ट्रेड का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी वजह से इनको कई बारी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स या फिर AMM भी कहा जाता है। जो टोकन रेशियो है वह पूल के दाम को निर्धारित करता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास डाई और इथेरियम का एक पूल है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए डाई जो है वो काफी मात्रा में बिक गया तो इससे क्या होगा कि जो इथेरियम की वॉल्यूम है उस पूरे पूल में वह बढ़ जाएगी और यह बढ़ने की वजह से जो इथेरियम का सब्सिक्वेंट प्राइस है वो कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ डाई का प्राइस जो है उस पूल में बढ़ जाएगा। और जो पूर्ण रूप से कीमत में बदलाव हुआ है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति ने वो डाई कितनी मात्रा में खरीदा था और उसकी वजह से पूल के टोटल साइज में कितना बदलाव हुआ। अब भाई बड़े पूल्स के अंदर तो भाई
कम ही बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही बड़े साइज के ट्रेड्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी बड़े लेवल के उतार चढ़ाव को देखने के लिए। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं ना यार, वो पैसा कमाते हैं ट्रांजैक्शन फीस से, जो कि दूसरे देते हैं किसी भी लिक्विडिटी पूल में बाय या सेल करने के लिए। और यार ये जो ट्रांजैक्शन फीस है ना, ये फिर वापस जाती है लिक्विडिटी पूल के अंदर ही, ताकि आपके जो टोकन का दाम है उसको बढ़ाने में मदद मिले और ओवरऑल वैल्यू में इजाफा हो। अब भाई पहले से स्थापित लिक्विडिटी पूल्स में $1 million से भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो सकता है, और इसी की वजह से वो काफी स्टेबल लगते हैं नए क्रिप्टो ट्रेडर्स को और उन लोगों को जो कि शुरुआत करना चाहते हैं क्रिप्टो की मार्केट में। और यार वहीं दूसरी ओर जो छोटे पूल्स होते हैं वो काफी हद तक संवेदनशील होते हैं, और मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव की वजह से उनके अंदर अगर आपके टोकन्स मौजूद हैं तो उनकी कीमत में काफी गिराव आने की संभावना होती है। सही पूल के चुनाव के साथ आप आराम से तगड़ी वैल्यू स्टेबिलिटी का आनंद ले सकते हैं, और आपको ट्रांजैक्शन फीस तो मिलती ही रहेगी जो आपके शुरुआती किए गए निवेश को समय के साथ बढ़ाती रहेगी। दोस्तों प्राइवेसी को बढ़ावा देने वालों का कहना तो है कि भाई क्रिप्टो मिक्सर्स एक सही चीज होती है अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए और ऑनलाइन अनोनिमस बने रहने के लिए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करते वक्त, पर एक नई रिपोर्ट आई है ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म चेनालिसिस द्वारा, जिसका कहना यह है कि क्रिप्टो मिक्सर्स में सबसे ज्यादा फंड भेजा गया साइबर अपराधियों द्वारा और नेशन स्टेट्स द्वारा। अब भाई चेनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो मिक्सर्स को करीब 23% फंड जो थे वो अवैध एड्रेसेस से आए 2022 में, जो कि 2021 के 12% फंड से तो काफी ज्यादा बढ़त है। अब भाई इसी फॉर्म ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि क्रिप्टो मिक्सर्स को चलाने के लिए बहुत सारे वैध कारण भी हो सकते हैं। अब भाई उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हो किसी अत्याचारी सरकार के शासनकाल में, या फिर आपको कानूनी पर संवेदनशील ट्रांजैक्शंस को गुप्त रखना हो तो पर भी क्रिप्टो मिक्सर्स का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। पर यार अगर मिक्सर्स की कोर फंक्शनैलिटी को इस बात से जोड़ा जाए कि वो कभी भी KYC यानी कि नो योर कस्टमर डिटेल्स नहीं मांगते या फिर किसी से भी व्यक्तिगत सूचना नहीं लेते, तो ये इसको काफी आकर्षक बना देती है ऑनलाइन साइबर अपराधियों के लिए। इसी ट्रैकिंग फर्म का ये भी कहना है कि मिक्सर्स को 2022 में इतने क्रिप्टो फंड्स मिले जितना कि पहले कभी नहीं मिले थे। अब भाई क्रिप्टो करेंसी मिक्सर जिनके बारे में हम पहले एक बार बात कर चुके हैं, ये वो ऐसी सर्विसेज होती है जो कि आपको अलाउ करती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल मनी ट्रेल को इरेज करने में, जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे किया जाए, जैसे कि इथेरियम या फिर आपका बिटकॉइन हो गया, और कोई ट्रेल नहीं बचता कि वो पैसा कहां से आया और कहां गया। नॉर्मली ये जो ट्रेल होता है सार्वजनिक और सुगम होता है ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर जो क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर्स हैं वो इसको गायब करने में काफी मदद कर सकते हैं। अब भाई चेनालिसिस के अनुसार मिक्सर्स को मनी ट्रांसमिटर्स के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में बैंक सीक्रेसी एक्ट के तहत। अब भाई जो मनी ट्रांसमिटर्स हैं ना, इनके लिए आवश्यक होता है कि वो रजिस्टर करें फिनसेन के साथ और एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को भी नियुक्त करें। पर भाई ये सब कहने सुनने के बाद भी फर्म का कहना है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मिक्सर नहीं है जो कि KYC नियमों का या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का किसी भी रूप से पालन करता हो। चेनालिसिस के अनुसार जो फंड्स मिक्सर्स को जा रहे हैं वो मुख्य रूप से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, डीफाई प्रोटोकॉल्स और अवैध गतिविधियों से जुड़े हुए एड्रेसेस से ही आ रहे हैं। और ये सब एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि सैंक्शन देशों, डार्क नेट मार्केट्स और हैकर ग्रुप्स जैसे कि नॉर्थ कोरियन लेजारस ग्रुप, इन सबसे लिंक्ड हैं। दोस्तों पिछले महीने साइबर अपराधियों ने $36 million यानी कि 288 करोड़ रुपए हार्मनी प्रोटोकॉल के होराइजन ब्रिज से चुराए हुए इथेरियम के रूप में टोर्नाडो कैश मिक्सिंग सर्विस को भेजे। दोस्तों बिटकॉइन की जो बिक्री थी वो तेजी से बढ़ी वेडनेसडे को, जब US फेडरल रिजर्व ने अपना एक निर्णय लिया कि वो 1% के बजाय 0.75% ही इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे ताकि वो हाई इन्फ्लेशन रेट को काबू कर सके। अब भाई हाल ही के कुछ दिनों में जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन्होंने एंटिसिपेट कर रखा था कि भैया रेट हाइक जो है ना 1% तक का आएगा, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट है एकदम बढ़ गए रेट हाइक अनाउंसमेंट होने के बाद, जो कि 1% ना होके 0.75% थी। अब बिटकॉइन जो है वो एक गिरती हुई रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है अप्रैल की शुरुआत से ही, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ना इसकी वजह से एकदम लॉन्ग टर्म लो आया $17,622 के प्राइसिंग का, जो कि 14.1 लाख होता है जून 18 के आसपास। और जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट है यानी कि बिटकॉइन, ये लेकिन ज्यादातर ऊपर की तरफ ही जा रहा है उसके बाद से, और जो ये डिसेंडिंग लाइन थी ना इसको उसने पार कर दिया जुलाई 18 को। अब भाई प्राइस भले ही शुरुआत में डाउन हुआ था
लेकिन जुलाई 28 तक अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमने देखा है कि एकदम बुलिश सा ब्रेकआउट हो रहा है, और ये सिर्फ बिटकॉइन के अकेले के लिए नहीं है। जो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट है, जो कि अभी करेंटली वैल्यूड है 1.09 trillion dollars पे, जो कि 87,21,616 crore के आसपास है, उसको लॉसेस देखने पड़े 2 trillion dollars के करीब, जो कि करीब करीब होता है 160,02,966 crore रुपए। और ये सब हुआ 2021 के अंत में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के पीक होने के बाद। अब भाई एक रिसेशन आने का डर, और रशिया का जो वॉर था यूक्रेन पे उसकी वजह से जो डिसरप्शन हुए, और जितने स्कैंडल्स जिन्होंने क्रिप्टो लेंडर्स को अफेक्ट किया, इन सभी का योगदान रहा है इस डाउनवर्ड स्लाइड की ओर। अब भाई क्रिप्टो वैल्यूएशंस जो है ना, वहाँ पे थोड़ी सी अब जगह सी बच रही है, स्कोप बच रहा है कि वो थोड़ा ऊपर उठे, क्योंकि अभी जो अगली फेड मीटिंग है वो सितंबर तक नहीं होने वाली है, और जो स्ट्रेंथ है डॉलर की और जो ओवरऑल मैक्रो मूवमेंट है वो दोनों बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करेंगे इस सब में। अब अगर हम वीक ऑन वीक चार्ट को देखें तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज ने भैया गेंस लिए है, जैसे कि ईथर ने, जो कि अभी $1,625 के आसपास भटक रहा है, जो कि 1.3 lakh rupees है, और एक पिछले हफ्ते के मुकाबले 9.3% तक का इंक्रीज है। ऐसे ही कार्डानो, बीएनबी, पॉलीगन, लाइटकॉइन और पोल्काडॉट, ये सारे भी अब थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, और इथेरियम क्लासिक और यूनिस्वैप जो है, इन्होंने तो भैया टॉपर्स चार्ट को लीड किया है इस बारी। मीम कॉइन, डोज और शिबा इनू, उन्होंने अभी भी वैल्यू लूज करी है एक और हफ्ते में, और 2.83% और 3.78% उनका वीक टू डे रिस्पेक्टिवली लॉस रहा। दोस्तों पिछले 24 घंटे में मार्केट जो है वो 10.25% ऊपर गई है। इस सब के बीच इथेरियम ने गेन देखा 10.67% का, एल्गोरेंड ने गेन देखा 4.16% का, बिटकॉइन ने भी बढ़त देखी 7.43% की, ऐसे ही शिबा इनू ने भी बढ़त देखी 4.73% की, सैंड ने भी बढ़त देखी 6.63% की, और ऐसे ही गाला ने भी बढ़त देखी 5.11% की। इस हफ्ते सबसे ज्यादा लूज किया पैक्स ने 0.38% पे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए CoinSwitch ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में छोड़ जाइए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.